नमस्ते जी, मैं दीपाक्षी मंटू अपनी किचन में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम चिली पनीर बना रहे हैं, तो देखते हैं कैसे बनाते हैं। चलिए, तो आज अपनी किचन में बहुत ही डिलीशियस चिली पनीर बनाते हैं। रेस्टोरेंट में तो आपने इसे बहुत बार ट्राई किया होगा, पर आज इसे हम घर पर ही इतना टेस्टी बनाएंगे कि आप घर पर ही बनाकर खाना इसे ज़्यादा पसंद करेंगे। पहले इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। मैं इसके लिए 300 ग्राम फ्रेश पनीर ले रही हूँ। पनीर चाहे आप कॉटेज पनीर ले लें या फिर सोया पनीर, और उसे इस तरह से क्यूब्स में कट कर लें। क्यूब्स को आप ज़्यादा छोटे साइज में कट ना करें। दो मीडियम साइज के प्याज हैं जिन्हें हमने स्क्वायर में कट कर लिया। और एक बिग साइज की कैप्सिकम को भी हमने स्क्वायर में कट कर लिया। अब पनीर को हम मैरिनेट कर लेते हैं। इसकी मैरिनेशन हम बहुत ही सिंपल करेंगे। पहले हम एक बड़े बाउल में पनीर को ट्रांसफर करके उस पर सॉल्ट स्प्रिंकल कर लेते हैं, और ये व्हाइट पेपर। मैं पनीर में व्हाइट पेपर यूज करती हूँ क्योंकि इससे पनीर की रंगत बनी रहती है। ये कॉर्नफ्लोर है, और ये मैदा। इसे हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं ऐड करेंगे क्योंकि पनीर की कोटिंग हमें बहुत थिक नहीं करनी है। अब इन्हें हम टॉस कर लेते हैं। इसमें पानी हम ऐड नहीं करेंगे, पर थोड़ा सा पानी हाथ में लेकर हम इस पर स्प्रिंकल कर लेंगे, देखिए इस तरह से, और फिर उसे अच्छी तरह से टॉस कर लेंगे। इसकी कोटिंग करने के बाद सभी पीस को हम सेपरेट कर लेंगे जिससे इसे फ्राई करने में आसानी होगी। बाकी बची हुई कोटिंग को भी हम पनीर पर अच्छे से लगा लेते हैं। अब इसे हम सेट होने के लिए 10-15 मिनट के लिए रख लेते हैं। मैंने इसे फ्राई करने के लिए ऑलिव ऑयल गर्म कर लिया है। आप किसी भी वेजिटेबल ऑयल में इसे फ्राई कर सकते हैं। ऑयल गर्म हो गया है, अब इसमें हम पनीर ऐड कर लेते हैं। देखिए पनीर की कोटिंग कितनी बढ़िया हुई है। जो बैटर हमने बनाया था पनीर के साथ स्टिक है। पनीर को हम डबल फ्राई करेंगे। पहले इसे हम हाफ फ्राई करेंगे। अब इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेते हैं जिससे इसका एक्स्ट्रा ऑयल पेपर में एब्जॉर्ब हो जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं। अब बाकी बचे हुए पीस को भी हम हाफ फ्राई कर लेते हैं। पांच मिनट वेट करने के बाद इसे हम दोबारा फ्राई कर लेते हैं जिससे पनीर बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। पनीर रेडी हो गया है, अब इसके लिए हम ग्रेवी रेडी करते हैं। इसकी ग्रेवी के लिए मैंने 2-3 लहसुन की कलियों को बारीक चॉप कर लिया है। ये अदरक है जिसे पतली लंबी स्लाइस में कट कर लिया है। एक ड्राई रेड चिली, 2 ग्रीन चिलीज को बीच में से कट कर लिया, और ये स्प्रिंग अनियंस है जिन्हें बारीक चॉप कर लिया है। पहले हम पैन में ऑयल गर्म करेंगे, फिर उसमें लहसुन की कलियां ऐड करेंगे। लहसुन की कलियों को हम हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे, इससे चिली पनीर में फ्लेवर बढ़िया आता है। अब इसमें हम स्प्रिंग अनियन ऐड कर लेते हैं और उन्हें सौते कर लेते हैं। स्प्रिंग अनियन को इसमें हमने ऐड कर लिया है, उसकी लीव्स को हम बाद में यूज करेंगे।
अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे जिसे हमने स्क्वायर में कट कर लिया है। इसे हम एक मिनट के लिए ही सौते करेंगे क्योंकि अनियन को हम क्रंची ही रखेंगे। अब इसमें हम कैप्सिकम ऐड करेंगे। इसे भी हम एक मिनट के लिए ही सौते करेंगे। अब इसमें हम ड्राई रेड चिली ऐड करेंगे। ये जिंजर स्लाइस है, इन्हें भी इसमें ऐड कर लेते हैं और उन्हें सौते कर लेते हैं। अब इसमें हम ग्रीन चिली ऐड करेंगे। और ये ब्लैक पेपर। इन सबको मिक्स कर लेते हैं। सॉल्ट आप वेजीज के हिसाब से इसमें ऐड कर लें क्योंकि पनीर में हमने ऑलरेडी सॉल्ट ऐड किया है। अब इन्हें मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम सॉसेज ऐड कर लेते हैं। पहले हम इसमें डार्क सोया सॉस ऐड करेंगे। अब इसमें अच्छा कलर लाने के लिए हम इसमें रेड चिली सॉस ऐड करेंगे। और उन्हें वेजीज के साथ मिक्स कर लेंगे। ये ग्रीन चिली सॉस है जो इसमें तीखापन लाएगी। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। ये टमाटो सॉस, टमाटो सॉस इसमें ज्यादा क्वांटिटी में ऐड होती है। सभी सॉस मिलकर चिली पनीर के टेस्ट को एनहेंस करेंगे। ये इसमें हम विनेगर ऐड करेंगे। और ये थोड़ा सा पानी। अब इन सबको मिक्स कर लेते हैं। लास्ट में इसमें हम फ्राई पनीर क्यूब्स ऐड कर लेते हैं। पनीर को सभी सॉसेस और वेजीज के साथ हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, देखने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अब इसमें हम स्प्रिंग अनियन की लीव्स ऐड करेंगे। इन सबको सौते कर लेते हैं। अब इसे हम ग्रीन कोरिएंडर हरे धनिया से गार्निश कर लेते हैं। ये बहुत ही बढ़िया स्टार्टर है और बनकर रेडी हो गया है। अब इसे हम सर्व करते हैं।
आप भी इसे बनाएं और बताएं आपका चिली पनीर कैसे बना है। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका थैंक्स। आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। आप मेरे कुकिंग चैनल को इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।